हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अगर आप व्हाट्सएप पर अपना खुद का व्हाट्सएप चैनल बनाना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सिंपली इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप पर आ जाना है एंड देन उसके बाद आपको कम्युनिटी सेक्शन के पास में आपको चैट सेक्शन मिलता है और अपडेट्स पे आपको सिंपली अपडेट्स वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना है। अपडेट्स वाले ऑप्शन पर जैसे आप टाइप करते हैं आपको चैनल सेक्शन में मिलता है प्लस का आइकन, आपको सिंपली इस पर टाइप कर देना है। टैप करने के बाद आपको दो और ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट चैनल और फाइंड अ चैनल। क्रिएट चैनल में आप अपने लिए खुद का व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर सकते हैं और फाइंड चैनल में आप किसी भी के भी व्हाट्सएप चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट चैनल के ऑप्शन पर टैप कर देना है चैनल को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने लोगों को व्हाट्सएप की तरफ से कुछ टिप्स मिलती हैं जहाँ पर आपको व्हाट्सएप का जो चैनल है उसी से रिलेटेड आपको बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपके चैनल को कोई भी सर्च कर सकता है और लास्ट 30 डेज की उसकी हिस्ट्री भी देख सकता है। तो पीपल आपके चैनल को तो देख सकते हैं, आपके प्रोफाइल पिक्चर और आपके फोन नंबर को नहीं देख पाएंगे। और तीसरा यह है कि अगर आप व्हाट्सएप की कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होंगे। सिंपली ये सब आपको रीड करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है आपके चैनल की प्रोफाइल पिक्चर और चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको चैनल नेम दे सकते हैं जो भी आप अपना चाहते हैं। तो आप अपने चैनल के जो भी प्रोफाइल पिक्चर, चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं उसको फिल कर दीजिए। तो ये सब फिल करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट चैनल के ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। सिंपली आपके सामने यहाँ पर आपके फॉलोअर लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर शो हो जाएंगे एंड चैनल लिंक अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चैनल लिंक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपने चैनल को लिंक भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बैक में आते हैं फ्रंट में तो आपको ऑप्शन मिलते हैं शेयर टू माय स्टेटस। तो आप इसको अपने जो भी यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं वो अपने स्टेटस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप सिंपली अपने चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही इसके और ऑप्शन मैं बता देता हूँ, अगर आप अपने चैनल की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपको चैनल इन्फो पर ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ पर आपके चैनल का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब शो हो जाएगा। अब इस चैनल में आपको यहाँ पर आपके फॉलोअर भी शो हो जाएंगे कितने हैं। और चैनल की सेटिंग्स करना चाहते हैं आपको सिंपली चैनल की सेटिंग्स ऑप्शन पर आ जाना है। तो जैसे ही आप अपना चैनल क्रिएट कर लेते हैं आपको चैनल सेटिंग्स में एनी इमोजी और डिफॉल्ट इमोजी का ऑप्शन एक मिल जाता है। यहाँ पर यह होगा कि एनी इमोजी करते हैं तो आपकी जो भी आपने पोस्ट या वीडियो डाली है लोग उसमें कोई भी इमोजी का यूज कर सकते हैं। और अगर आप डिफॉल्ट ओनली का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन की गई इमोजी ही आपको अपनी पोस्ट में देखने को मिलेंगी। तो आप जो चाहे वैसा कर सकते हैं अपने लिए। तो कुछ इस तरीके से आप अपना खुद का चैनल बना सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और इसी तरह की टेक और अपकमिंग गैजेट से रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही आप इस व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जहां आपको टेक टिप्स, अनबॉक्स थेरेपी, ग्रेट डील मिलेंगी अप टू 60%, सिक्योर ब्राउजिंग को और हैकर से आपको कैसे बचना है बहुत सारे टिप्स मैं इस चैनल में बताने वाला हूं, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूले। उसी तरह अपडेट्स से बनाएंगे चैनल को सब्सक्राइब, इनको प्रेस करना ना भूले।